नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको तस्वीर दिखा चुके हैं पूरे पटना की, हर जगह जल जमाव है, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। आज दिन थोड़ा खुला है, आसमान साफ है, रात भर में बारिश नहीं हुई है, इसलिए पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है और ऑटो रिक्शा का परिचालन पाटलिपुत्र में आज शुरू हो चुका है। लेकिन जो छात्र हैं उनके लिए खबर ये है कि आज भी आपकी छुट्टी है, कल भी आपकी छुट्टी है और 2 तारीख को गांधी जयंती है, तो 2 तारीख तक आपका छुट्टी है। अगर छुट्टी नहीं भी होती तो आप स्कूल कैसे आते? मैं तस्वीर दिखाता हूँ लोयला स्कूल का, पटना का एक प्रतिष्ठित स्कूल है। और देखिए, पूरे स्कूल में जल जमाव किस स्तर पर है, मैदान तो नज़र ही नहीं आ रहा है, मैदान लग रहा है कि तालाब बन चुका है। स्कूल का जो ग्राउंड लेवल का जो क्लासरूम है उसमें पानी अंदर जा चुका है, तो स्कूल में अगर बच्चे आएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ, क्योंकि पानी का स्तर अभी भी यहाँ कम नहीं हुआ है। लोयला स्कूल तालाब और झील के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर देखिए, बारिश की वजह से लोयला जो ग्राउंड है उसमें लगा हुआ जो आम का पेड़ है, बड़ा पेड़, वो गिर चुका है, तो पूरी तरह से लोयला स्कूल का जो प्रांगण है झील के रूप में तब्दील हो चुका है। तो इसी जल जमाव को देखते हुए 2 दिनों से स्कूल में छुट्टी है और अब 2 तारीख को तो गांधी जयंती है, उसके बहाने भी छुट्टी है, तो बच्चों के लिए तो अच्छा समय है कि छुट्टी को एंजॉय करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अभी छुट्टी नहीं भी होती तो बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी भी जल जमाव का स्तर देखिए कितना ज़्यादा है, किसी क्लासरूम में आप नहीं जा सकते। केवल कर्मचारी एका दुका यहाँ दिख रहे हैं जो सुरक्षा के लिए हैं, और हर जगह जल जमाव है। देखिए, बत्तख एंजॉय कर रहे हैं, बत्तख के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि अभी पानी झमाझम बारिश हुई है, पानी है और बत्तख नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन स्कूल लग नहीं रहा है कि स्कूल है, क्योंकि एक भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। आज सोमवार का दिन है, मुझे लगता है कि ये जल निकलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल जमाव है। तो जल जमाव जब तक दूर नहीं होगा, जल की निकासी जब तक नहीं होगी, तब तक शायद ही कोई स्कूल खोलने का आदेश दे। कितना दिन से जल जमाव है? ये तो जब से पानी पड़ी है तब से जल जमाव पड़ा हुआ है यहाँ पर। अभी पानी निकल क्यों नहीं रहा है? पानी नहीं निकले कारण, क्योंकि सरकारी नाला जितने हैं सारा तो जाम है, तो पानी निकलेगा कहाँ से? तो ये स्कूल में जल जमाव है, इसके लिए छुट्टी कर दी गई? हाँ, डीएम आदेश कर दिया गया, इसके कारण से जल जमाव को छुट्टी कर दिया गया। डीएम आदेश नहीं भी करते तब भी हम लोग छुट्टी कर दे, क्योंकि बच्चे इसमें कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, टीचर्स क्या करेगा, बच्चे लोग कैसे करेंगे पानी में रहकर पढ़ाई? तो आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर डीएम ने आदेश नहीं दिया होता तो भी छुट्टी होती, तभी छुट्टी होती, क्योंकि बच्चे पानी में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि घुटना भर पानी है लोयला स्कूल के प्रांगण में और क्लासरूम में भी पानी घुस चुका है। क्लासरूम में भी पानी घुस चुकी है। हाँ, क्लासरूम से लेके यहाँ तक पूरे क्लासरूम में पानी घुस चुकी है। तो क्लासरूम में भी पानी घुस चुका है और आप देख रहे हैं कि तस्वीर बड़ा ही भयानक है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये पानी निकलेगा नहीं तब तक बच्चों की छुट्टी ही रहेगी। तो बच्चों, घर पर इस समय का इस्तेमाल करो, पढ़ाई करो, क्योंकि स्कूल लगता नहीं है कि 1-2 दिनों तक खुल पाएगा। आपको दूसरे स्कूल की तस्वीर भी दिखाएंगे, राजधानी पटना की तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि रात भर बारिश नहीं हुई है, आज आसमान थोड़ा खुला है, बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से जल का स्तर थोड़ा पटना में कम हुआ है और आज पाटलिपुत्र इलाके में ऑटो का परिचालन शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी राजधानी पटना की कई ऐसी सड़कें हैं जो नदी में तब्दील हैं, अगर आप उस सड़क से होकर गुजरने की कोशिश करेंगे, जोखिम उठाएंगे, तो खतरे में फंस जाएंगे। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि लोग सावधान हो जाएं और खतरे में न फंसें। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टवेयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।